गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेन विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास फोर्थ की मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि क्या है हमारा पॉलीगन। तो पॉलीगन के बारे में आज हम लोग समझेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एंगल्स के बारे में बताया था, ठीक है, कि किस तरह से हम प्रोटेक्टर की हेल्प से किसी भी एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू चैप्टर, जो कि क्या है पॉलीगन, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल क्रॉस्ड प्लेन फिगर। तो सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल क्लोज्ड प्लेन फिगर क्या होता है, ठीक है। तो एनी फिगर इन अ प्लेन विच बिगन्स एंड एंड एट द सेम पॉइंट एंड डू नॉट क्रॉस इट सेल्फ कॉल्ड अ सिंपल क्लोज प्लेन फिगर। तो कोई भी फिगर जो एक स्टार्टिंग पॉइंट हो उसका और फिर आके उसी पॉइंट पे वो ख़त्म हो जाए, तो इस तरह के फिगर को हम सिंपल क्लोज प्लेन फिगर कहते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, ये आपका ओपन प्लेन फिगर है, ये आपका क्लोज प्लेन फिगर है, और ये सिंपल क्लोज प्लेन फिगर इस तरह का होता है, ठीक है। तो सिंपल क्लोज प्लेन फिगर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। टू टाइप्स होते हैं, कौन कौन से, पॉलीगन एंड सर्कल्स। पॉलीगन और सर्कल्स होते हैं। तो पॉलीगन क्या होता है, अ पॉलीगन इज अ प्लेन फिगर दैट इज बाउंडेड बाय अ फाइनाइट चेन और स्ट्रेट लाइन सेगमेंट क्लोजिंग इन अ लूप फॉर्म अ क्लोज पॉलीगन चेन और सर्किट, ठीक है। तो पॉलीगन क्या होता है, एक प्लेन फिगर होता है जो कि बाउंडेड रहता है फाइनाइट चेन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की एक फाइनाइट चेन होती है, लाइन सेगमेंट क्लोजिंग इन अ लूप, एक लूप में वो क्लोज रहता है, और एक पॉलीगोनल चेन और सर्किट बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्टिंग किया इस तरह इस तरह इस तरह ऐसा करके फिर ऐसा, यहाँ पे ये एक पॉलीगन बन जाएगा। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, एक लाइन सेगमेंट ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, एक ये हुआ, और एक ये हुआ, ठीक है। अलग अलग लाइन सेगमेंट को बना दिया, ठीक है ना। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एजेस और साइड्स। जो उसमें सेगमेंट्स रहते हैं लाइन सेगमेंट, उनको एजेस या सब या फिर साइड बोलते हैं। एंड पॉइंट्स वेयर टू एजेस मीट एट द पॉलीगन इज वर्टेक्स और कॉर्नर, ठीक है। जो पॉइंट्स जहाँ पे मिलती हैं एजेस, उनको क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस या फिर कॉर्नर्स बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होता है, अ पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। एक पॉलीगन जिसमें थ्री साइड्स रहते हैं उसको ट्राइंगल बोला जाता है। ट्राई मीन्स थ्री, सो ट्राइंगल मीन्स थ्री एंगल्स। ट्राई का मीन्स क्या होता है, थ्री। तो ट्राइंगल में कितने एंगल्स होते हैं, तीन एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। थ्री एंगल्स रिक्वायर एटलीस्ट थ्री साइड। थ्री एंगल्स के लिए कितनी साइड्स चाहिए हम अपने को, कम से कम थ्री साइड चाहिए। फिर इसके बाद क्या लिखा है, क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पॉलीगन हैविंग फोर साइड इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। तो एक पॉलीगन जिसमें फोर साइड्स रहती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड्री मीन्स क्या होता है, फोर, एंड लेटरल मीन्स साइड, ठीक है। इसके बाद में पेंटागन। पेंटागन में क्या होता है, अ पॉलीगन हैविंग फाइव साइड इज कॉल्ड पेंटागन। एक पेंटागन जिसमें फाइव साइड्स हो उसको क्या बोलते हैं, हम पेंटागन। पेंटा मीन्स फाइव। इसके बाद में हेक्सागन, अ पॉलीगन हैविंग सिक्स साइड इज कॉल्ड हेक्सागन, ठीक है। सिक्स साइड वाला जो है वह हेक्सागन कहलाता है। हेक्सा मीन्स क्या होता है, सिक्स, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग पॉलीगन बनते हैं। द लेंथ ऑफ साइड ऑफ पॉलीगन मे और मे नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। पॉलीगन में जो है उनकी जो साइड्स रहती हैं वो या तो एक दूसरे के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती, ठीक है ना। सो पॉलीगन आर ऑफ मैनी टाइप्स। इसलिए पॉलीगन जो है वो कई सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे ट्राइंगल बना हुआ है, क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, पेंटागन बना हुआ और हेक्सागन बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे ट्राइंगल दिया हुआ है। तो अ सिंपल क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल।
थ्री लाइन सेगमेंट से एक फिगर, सिंपल फिगर बाउंडेड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगल बोलते हैं। एक्स वाई जेड इज अ ट्राइंगल, ये एक्स वाई जेड दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्राइंगल दिए हुए हैं, तो कौन सा स्केलिन ट्राइंगल होता है, आइसो स्केल्स ट्राइंगल होता है और इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। तो स्केलिन में क्या होता है, ए ट्राइंगल विथ नो इक्वल साइड इज कॉल्ड अ स्केलिन ट्राइंगल। एक ट्राइंगल जिसमें उसकी साइड्स इक्वल नहीं होती वो स्केलिन कहलाता है। आइसो स्केलिन क्या होता है, ए ट्राइंगल हैविंग टू साइड इक्वल इज कॉल्ड अ आइसो स्केल, जिसमें टू साइड इक्वल रहती हैं उसको आइसो स्केल्स ट्राइंगल कहते हैं। फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल, ट्राइंगल विथ ऑल थ्री साइड्स इक्वल, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल रहती हैं उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल्स, एंगल्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल के टाइप क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला एक्यूट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें क्या 90 डिग्री से कम होते हैं उसके एंगल, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। फिर राइट एंगल ट्राइंगल, तो इसमें एक एंगल जो है वो राइट एंगल होता है ट्राइंगल का। इसके बाद में ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसमें जो है एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा रहता है उसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ट्राइंगल का होता है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 दी हुई है, तो इसमें आपको टिक करना है करेक्ट वर्ड में। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज मोर देन या फिर लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद में इन एन ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज मोर देन इक्वल टू 90 डिग्री, यहाँ पे जो भी राइट है उसमें आपको टिक करना है, ठीक है। अभी मैंने आपको ऊपर सभी एंगल्स के बारे में बताया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है, मेज़र ऑल द साइड्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल एंड राइट नियर द साइड, यहाँ पे मेज़र करना है सभी साइड्स को और फिर लिखना है देन राइट टाइप ऑफ ट्राइंगल, और फिर उसके बाद में टाइप बताना है आपको। फिर इसके बाद में यहाँ पे मेज़र ऑल द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग ट्राइंगल, यहाँ पे सभी ट्राइंगल के एंगल्स को फॉलो मेज़र करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद में आपको टाइप बताना है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। तो स्पेशल क्वाड्रिलेटरल्स में सबसे पहले क्या है, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, ठीक है ना, इस तरह से होती हैं, ठीक है। ऐसे अपोजिट साइड्स जो है, ये साइड इसके बराबर होगी और इक्वल होगी, ये भी इसके बराबर होगी और पैरेलल होगी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या, रोम्बस क्या होता है, पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस, इट्स अपोजिट एंगल आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। और रोम्बस क्या होता है, एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड्स जो है बराबर हों, ठीक है, और इसके अपोजिट एंगल जो है वो भी बराबर हों, ठीक है। और तीसरा क्या है, रेक्टेंगल, अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज 90 डिग्री इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सभी एंगल जो है 90 डिग्री के हो उसको जो है क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल, रेक्टेंगल में भी जो है इक्वल और पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। ये देखिए पैरेललोग्राम बना है, ये रोम्बस बना है और ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है, ठीक है ना। इतने टाइप के जो है आपके क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे समझिएगा स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद में यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 दी हुई है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, इन अ रेक्टेंगल इतने एंगल्स आर इक्वल्स, ये आपको देखना है। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज कितने डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। इसके बाद में क्वाड्रिलेटरल में क्या होती हैं साइड्स, ये करना है आपको, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आप लोग करिएगा, ठीक है ना। फिर क्या लिखा, फाइंड विच क्वाड्रिलेटरल आर दिस हैविंग, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका आपको पता करना है। फिर क्या है, 3D शेप्स एंड देयर नेट्स, ठीक है। तो अब
थ्री डी शेप्स के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। थ्री डी शेप्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्या है, अ क्यूब इज़ अ क्यूबॉइड विथ ऑल इक्वल साइड्स। क्यूब जो है इस तरह से बनता है, ठीक है, और इसमें जो है सभी साइड्स इसकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। इस तरह से क्यूब बनता है। उसके बाद क्या, एक क्यूबॉइड इज लुक लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, इट हैज़ सिक्स फेसेस, ठीक है। इसमें भी सिक्स फेसेस होते हैं, इसमें भी सिक्स फेसेस होते हैं, और ये क्या सिलेंडर होता है। सिलेंडर एक पाइप के जैसा दिखता है और ये इसमें राउंड बेस होता है, ठीक है ना। सिलेंडर कैसे बनाते हैं हम, इस तरह से इसका राउंड बेस बना के ऐसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये सिलेंडर हो गया, ठीक है, ये आपका रेक्टेंगल क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड में सेम क्यूब के जैसा रहता है, बस इसका जो है सभी इसमें रेक्टेंगल रहते हैं। क्यूब में स्क्वायर्स रहते हैं और इसमें रेक्टेंगल रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ पे क्या दिया हो, कोन के बारे में। कोन इस शेप का होता है, कोन शेप ऑफ आइसक्रीम और बर्थडे कैप। इसके बाद में प्रिज्म होता है, प्रिज्म जो है इज़ जस्ट लाइक अ सिलेंडर बट विथ ए ट्राइंगल बेस। ये भी सिलेंडर के जैसा रहता है, बस इसका जो बेस रहता है वो कैसा रहता है, ट्राइंगल रहता है, ठीक है ना। फिर इसके बाद पिरामिड और इसका जो है स्क्वायर बेस रहता है। पिरामिड बेस जो है टेंट के जैसा रहता है, ठीक है, और इसका बेस जो है वो स्क्वायर के जैसा रहता है, ठीक है ना। इसके बाद में द नेट ऑफ अ थ्री डी शेप व्हाट इज व्हाट इट लुक लाइक, ठीक है। यहाँ पे नेट कैसे करते हैं, कोई भी थ्री डी रहता है उसको जब हम ओपन करेंगे तो वो किस तरह का दिखता है वो बताते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम ये कोलगेट का बॉक्स है, इसको खोलेंगे तो इस तरह का रहेगा। ये आप ये बॉक्स है, इसको खोलेंगे तो ऐसा रहेगा। ये वाला बॉक्स है, इसको खोलेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एक्सरसाइज है, ठीक है, 7.3। तो ये बॉटल का शेप कैसा रहता है ये बताना है, डस्टर का शेप कैसा है, ये इसका शेप कैसा है ये बताना है, और इसका शेप कैसा है ये बताना है यहाँ पे, ठीक है। इसको अनप्लग करिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे 3D ऑब्जेक्ट्स के बारे में दिया हुआ है। तो 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखते हैं, फ्रंट व्यू ऐसे दिखता है, टॉप व्यू ऐसे दिखता है, साइड व्यू ऐसे दिखता है, और साइड व्यू ऐसा दिखता है, इंक्लाइंड व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सभी के व्यू बताना है, ठीक है। जो आपका पेंसिल बॉक्स है उसका टॉप व्यू और साइड व्यू कैसे दिखता है वो बताना है, और यहाँ पे आपको बॉटल का टॉप व्यू और बॉटम व्यू कैसा दिखता है वो बताना है, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो चैप्टर 7 है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसको आप लोग करिए, ठीक है। इसमें पॉलीगन के बारे में दिया हुआ है, पॉलीगन्स को आपको समझिए, और अगर किसी पॉलीगन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको जो है बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।